हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आस्था। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूं। यह अपडेट है HDFC बैंक की। हम आज एक डिस्कशन करेंगे अबाउट अ प्रोग्राम, अबाउट अ फ्यूचर बैंकिंग प्रोग्राम। ओके, अगर आप भी अपना करियर बैंकिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड यू आर थिंकिंग कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करूं या फिर मैं जॉब की तरफ जाऊं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी एक बैंकर की तरह अपना करियर देख रहे हैं या बैंकिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ओके, डिटेल में बात करेंगे। फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम क्या है, HDFC के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, एज डिप्टी मैनेजर आप वहां पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना करियर आप एज डिप्टी मैनेजर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन के बाद, ओके, डिटेल में बात करेंगे। पूरी नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज सभी बैंकिंग करियर की, बैंकिंग जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, MNC जॉब्स, प्राइवेट बैंक जॉब्स, सभी कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, मैं इस चैनल पर आपसे शेयर करती हूं, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं HDFC बैंक के फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम की। ये जो प्रोग्राम है ये HDFC ने स्टार्ट किया है एज फ्यूचर बैंकर। ओके, आप अगर अपना बैंकिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो HDFC बैंक के साथ जुड़कर एज डिप्टी मैनेजर आप ये करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वी विल सी कि प्रोग्राम क्या है। फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम में आपका PG डिप्लोमा होगा जो 1 ईयर का होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करते हैं, आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट को आप क्लियर करते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। वो राउंड आप क्लियर कर लेंगे तो आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं फॉर दी PG डिप्लोमा कोर्स इन सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, नाउ विल सी कि 1 ईयर का PG डिप्लोमा आपका कैसे होने वाला है। 6 मंथ्स तक आपका मणिपाल कैंपस बैंगलोर में HDFC का मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, वहाँ पर आपकी क्लासेस रहेंगी। आपको प्रॉपर PG डिप्लोमा वहाँ से मिलेगा। बैंकिंग सेगमेंट के सभी सेगमेंट्स आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएंगे, क्लासरूम्स रहेंगे आपके 6 मंथ के लिए। वहीं पर आपका एकोमोडेशन भी अवेलेबल होगा। उसके बाद 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप रहेगी HDFC बैंक ब्रांच के साथ। देन आपका 3 मंथ्स का ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा विथ एनी HDFC बैंक ब्रांच। ओके, इसके बाद आप HDFC में ज्वाइन कर सकते हैं एज डिप्टी मैनेजर। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम रहेगा 1 ईयर का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम। नाउ विल सी कि आपको करिकुलम क्या रहेगा, आपका कोर्स करिकुलम जो आपको वहाँ पर रहने वाला है फॉर 6 मंथ्स। आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट टर्म रहेगा एंड देन सेकेंड टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म जो रहेगा 3 मंथ्स का रहेगा। इसमें आपको क्या क्या क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा अबाउट बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स फॉर बैंकर्स, अकाउंटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स फॉर बैंकर्स। देन दे विल गिव यू ट्रेनिंग अबाउट द रिटेल बैंकिंग, कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस, सेल्स एंड सर्विसेज। ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको इन सभी टॉपिक्स पर प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगा। देन आपका स्टार्ट होगा टर्म 2। टर्म 2 जो आपका 3 मंथ्स का रहेगा, इसमें आपको टीच किया जाएगा अबाउट डिजिटल बैंकिंग एंड डिलीवरी चैनल्स, बैंकिंग ऑपरेशंस, सिस्टम्स, MIS, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ एंड रोल स्पेसिफिक लर्निंग। ओके, तो ये सभी सेगमेंट्स आपके कवर हो गए हैं जो भी बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कवर होते हैं। इन सब की क्लासरूम ट्रेनिंग आपको इन 6 मंथ्स में मिल जाएगी। अगर आप एनरोल करते हैं इस प्रोग्राम में तो बेस्ट पार्ट इज़ की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलेगा। ओके, एक फिक्स अमाउंट रहेगा जो आपको पर मंथ यहाँ से मिलता है, जिसमें 6 मंथ्स की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। ओके, पहले जो ट्रेनिंग होती थी ये मणिपाल में एकोमोडेशन मिलता था आपको, मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर में, वहीं पर आपको रहकर ट्रेनिंग लेनी होती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड कंडीशंस, जो सिचुएशन अभी है, अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स रहेंगी आपकी जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है। कोई चेंजेस अगर होते हैं तो HDFC के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट अभी जो ट्रेनिंग रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। बट फिर भी आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। ओके, सो इट मीन्स यू विल गेट पेड टू लर्न ऑल्सो। ओके, देन आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो इंटर्नशिप रहेगा उसमें आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। देन नेक्स्ट जो फाइनल आपके 3 मंथ्स रहेंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका रहेगा HDFC बैंक ब्रांच में, उसमें भी आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। ओके,
तो आप इस कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ आपको 6 मंथ पेड इंटर्नशिप मिलने वाली है HDFC ब्रांच लोकेशंस पर, ओके, विद इन द कंट्री, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ज्वाइन HDFC बैंक एज डिप्टी मैनेजर, ओके, जो जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आपका 1 ईयर का, देन आप एज डिप्टी मैनेजर HDFC बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएगा जो कि सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग में रहेगा फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड लुकिंग टू गो फॉरवर्ड इन बैंकिंग करियर। ओके, आपको पढ़ाई के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, पेड ट्रेनिंग रहेगी आपकी, साथ ही आपको डिप्टी मैनेजर की तरह आप ज्वाइन कर पाओगे आफ्टर 1 ईयर। ओके, कन्फर्म है कि आपको जॉब मिलना ही है HDFC बैंक में एज डिप्टी मैनेजर। इस पूरे कोर्स की जो आपकी फ़ीस रहेगी वो 3 लाख रुपीज़ रहेगी, बट क्योंकि अभी अकोमोडेशन नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं जिस भी ब्रांच से आप अपना फॉर्म फिल करके जहां आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं, या फिर बैंक की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं अगर फीस में कोई चेंजेस होते हैं तो। इसके लिए आपको एडुकेशन लोन भी मिल जाएगा फ्रॉम HDFC बैंक इटसेल्फ, जो कि आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे एज डिप्टी मैनेजर आप पे कर सकते हैं। नाउ विल सी कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 21 to 26 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1 June 2020। ओके, साथ में आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ अ मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑफ 50%। अगर आपकी ग्रेजुएशन 50% हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यू शुड नॉट हैव एनी रिलेटिव वर्किंग विथ HDFC बैंक एंड यू शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग लीगल केसेज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, आप डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए देन अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट एंड सेल्स एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। डिटेल में आप पूरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, जो सी मैं लिंक आपको दे रही हूँ उस लिंक पे जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में अगर आप क्लियर होते हैं तो फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। ओके, अप्लाई करने के लिए जो लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उस लिंक पर जाकर आप सभी डिटेल्स पहले चेक कर लीजिए। आप चाहें तो किसी भी HDFC ब्रांच पर जाकर सारी डिटेल्स आप समझ भी सकते हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से। ओके, वो आपको पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन कर देंगे फुल कोर्स की, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या आपकी प्रोसीजर रहेगी। ओके, एंड उसके बाद आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड इस कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हैं। ओके, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर बैंकिंग करियर। ऐसे ही बहुत से कोर्सेज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, विद ICICI बैंक PO प्रोग्राम कैसे करना है, एक्सिस बैंक में आप कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सभी बैंक्स के कोर्सेज भी आपसे शेयर करूँगी। साथ ही जो जॉब वैकेंसीज वहाँ पर आ रही हैं ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, HDFC में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ICICI बैंक में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं, आप सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट। थैंक यू।